चलिए तो हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग उसका सॉल्यूशन कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का है। तो आइए इनका सॉल्यूशन पहले कर लेते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3,10 एंड 6,-8 इज डिवाइडेड बाई -1,6। क्वेश्चन में आपके टू पॉइंट गिवेन है और डिवाइडेड जो लाइन सेगमेंट को कर रहा हूं वो पॉइंट भी आपको गिवेन है, यानी कि आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है कि ये लाइन सेगमेंट जो है ए और बी को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करके लानी है। तो आइए इनका सबसे पहले हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। देखिए ये लाइन को ड्रॉ हम करते हैं, तो इसको मैं पॉइंट ए मान लेता हूँ और इसे पॉइंट बी मान लेता हूँ। ए का कोऑर्डिनेट है आपके पास -3,10 और बी का आपका जो पॉइंट गिवेन है वो 6,-8 है, और जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है उसे मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये पॉइंट हमारा सी है। जो लाइन को डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट -1,6 है। अच्छा, अब इसमें हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि कितनी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ से कंसिडर कर लेता हूँ कि ये लाइन सेगमेंट को जो डिवाइड कर रहा है उसका रेशियो मैं मान के रखा हूँ के रेशियो 1 में। इसका मतलब यह है कि एम वन के मान लेता हूं मैं और एम टू 1 मान लेता हूं। हम लोग अब सेक्शन फॉर्मूला पढ़ के रखे हैं, उस सेक्शन फॉर्मूले के हेल्प से हम इसकी रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन थोड़ा पॉइंट को मैं इंडिकेट कर देता हूं एक्स वन और वाई वन, बी पॉइंट को मैं इसके कोऑर्डिनेट को एक्स टू और वाई टू कंसिडर कर लेता हूं। ये तो आपका एक्स और वाई है। तो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग जानते हैं x इक्वल टू क्या होता है हमारा, m1 x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 मैं कंसीडर करके k रखा हूं और x2 यहां से हम देख लेते हैं 6 है हमारे पास, प्लस m2, M2 आपका कितना है 1 इंटू एक्स वन कितना है -3 अपॉन एम वन के और एम टू प्लस 1 और x की वैल्यू आपके पास में कितनी है -1। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, k को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6k और -3 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -3 अपॉन के प्लस 1 और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा -1 है पहले से। तो क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जब क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -1 इंटू के -1 इक्वल टू 6k-3। मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस को मल्टीप्लाई जब करेंगे के से तो आपको मिलेगा -k और माइनस को 1 से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा +1 इक्वल टू 6k-3। अब ऐसा करेंगे कि के वाले को मैं लेफ्ट पे लेके आ जाऊंगा, कॉन्स्टेंट वाले को राइट पे शिफ्ट कर दूंगा। तो देखिए अब क्या मिलने वाला है हमें, सॉरी यहाँ पे मैं मिस्टेक लिखा हूं, ये आपका यहाँ प्लस है तो ये आपको माइनस मिलेगा -k, और जब इसको मैं लेफ्ट पे लेके आऊंगा तो हमें मिलेगा -6k इक्वल टू -3 और ये आपका नेगेटिव है, राइट पे शिफ्ट होने के बाद में ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका। यहां से मिला आपको -7k इक्वल टू -2k, जब 3 में 1 सेपरेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा -2, माइनस माइनस कैंसिल होगा 7k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 2 अपॉन 7। ये तो मैं x एक्सिस में लेकर आया हूँ कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2/7 में। अब ऐसा करते हैं y भी फाइंड आउट करके देख लेते हैं कि रेशियो जो हमने हम k रेशियो 1 मान के रखा वो सही है या नहीं है। तो y के लिए भी कर लेते हैं, y इक्वल टू एम वन y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 हमारा k है और y2 -8 प्लस m2 आपका 1 है और y1 यहां आपके पास में कितना है 10 अपॉन m1 k प्लस 1 और आपका कोऑर्डिनेट y 6 है। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहां हम कर देते हैं, उससे पहले सिंप्लीफाई कर लो ताकि कोई परेशानी ना हो आगे चल के आपको। तो 6 इक्वल टू -8k प्लस 10 अपॉन के प्लस 1, अब क्रॉस कर दो
है, 6m जब इसको करेंगे k को, ये पार्ट को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 6k प्लस 6 इक्वल टू -8k प्लस 10। के वाले फिर पार्ट को मैं लेफ्ट पे लेके आ जाऊंगा और ये कांस्टेंट है उसको राइट पे शिफ्ट कर देंगे, तो 6k नेगेटिव तो आपको ये पॉजिटिव मिलेगा, 8k इक्वल टू 10 पॉजिटिव है, अब राइट पे शिफ्ट करेंगे आपको नेगेटिव मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं इधर कर देता हूँ, ये आपका 14k हो जाएगा, 8 और 6 14, और 10 में जब 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, k इक्वल टू 4/14, 2 के टेबल से इसे कैंसिल कर दो, 2 2 जब 4 और 2 7 जब 14, के इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/7। देखिए ये दोनों रेशियो हमारे इक्वल हैं, अगर मैं वाई एक्सिस पे निकालता हूं या एक्स एक्सिस पे, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये आपका, ये आपका 2:7 में डिवाइड कर रहा है, कॉपी कर लीजिए।